जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली ने नागपुर में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट मैच में शतक लगा दिया है। उनकी यह सेंचुरी बेहद जरूरी समय पर आई है। एक तरफ से जब विकेट्स गिरते जा रहे थे तब कोहली ने एक छोर संभाल कर रखा था और भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने के लिए प्रयास किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली फिलहाल वेगन डाइट पर हैं? जी हाँ, पिछले साल अक्टूबर महीने की शुरुआत से चर्चा है कि वे पिछले 4 महीने से एनिमल प्रोटीन लेना बंद कर चुके हैं। जी हाँ, इस डाइट को फॉलो करने वाला एनिमल प्रोटीन यानी कि नॉनवेज के अलावा जैसे जो गाय, भैंस, बकरी इत्यादि से दूध मिलता है, जो दूध होता है, उसका सेवन नहीं करता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो भी पोल्ट्री का सामान होता है जैसे कि अंडे, दूध, पनीर, चीज़, दही, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं इसमें। वहीं आपको बता दें कि वेगन डाइट लेने वाला अनाज, दाल, नट्स, सीड और फल वगैरह से प्रोटीन की पूर्ति करता है, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, पालक, नट्स, सीड्स, खमीर उठा खाना और भी बहुत सारे 118 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकी हुई उबली हुई सब्जियाँ, ये सब अहम डाइट होता है उनके हिस्से का। जी हाँ, यही सब वो खाते हैं। इससे पाचन क्रिया मजबूत होती है, इससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। वहीं इस डाइट में विराट ने अंडे और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वह केवल प्रोटीन शेक, सब्जियाँ और सोया ही खा रहे हैं। विराट कह चुके हैं कि वे इस डाइट को फॉलो करने के बाद पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। विराट ने पिछले दिनों कहा था कि वे वेगन डाइट पर हैं प्रदर्शन में सुधार के लिए। जी हाँ, वो स्टेडियम पे अच्छा प्रदर्शन कर सकें इसके लिए वह इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। वे वेगन डाइट में जो चीज़ें खाते हैं उसमें फाइबर और प्रोटीन होता है, जिन्हें खाने से शरीर को भरपूर कैलोरी मिलती है, जिससे पेट जल्दी भरता है और भूख कम लगती है, इससे ओवर ईटिंग से भी बचते हैं। वहीं कोहली के बारे में कहा जाता है कि वे जितना वक्त खेल को सुधारने में लगाते हैं उतनी ही मेहनत अपनी फिटनेस पर भी करते हैं। 2 साल पहले कोहली नॉर्मल डाइट पर थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब मौका मिलेगा वो पूरी तरह शाकाहारी हो जाएंगे। तो खबर यही थी कि विराट कोहली वेगन डाइट पर हैं और वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि भारत का नाम वो रोशन कर सकें। अगर आप भी विराट कोहली के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।